So in the last video, we have discussed columns for the centric loading. We have discussed the Euler formula. We have discussed the effect of the slenderness ratio on the critical stress. So in this video, we will discuss the concept of eccentricity. If the load is applied not right on the center of the columns, but it applies at some distance from the center, we call it as eccentric distance, so denoted by small letter e. This is eccentricity. You can see that the load that is not applied right at the center of the column, rather it is applied at some distance away from the center. So what causes this eccentricity? This eccentricity causes an additional movement, so you can see here, if we move this load to the center of the member, so there will be an additional moment which is equal to P multiplied by the moment arm E. Similarly, at other end we will have the additional. So in addition to the applied forces, there will be some moment also. ठीक है, जब हमारे पास फोर्स भी होगा और फिर मोमेंट भी साथ हो गया, तो ऑब्वियसली वी कैन सेंस दैट द स्ट्रक्चर will not be just like the centric loading, pure centric loading. Obviously, it will have stability issues as compared to the centric loading. जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो स्ट्रेस जो होगा वो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रिक लोडिंग, जो क्रिटिकल स्ट्रेस होगा वो कम होगा. ठीक है, सो जो लास्ट हमारी डेरिवेशन थी उसमें हमने कहा था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई ओवर ई आई, लेकिन यहाँ पर एक और मोमेंट भी हमारे पास आ गया है, दैट इज इक्वल टू ड्यू टू द सेंट्रिक एसेंट्रिक लोडिंग माइनस पी ई. तो इसको जब हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है फॉर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, विच इज़ इक्वल टू एसेंट्रिसिटी सीकेंट पाई ओवर टू पी ओवर पी क्रिटिकल माइनस वन. पी क्रिटिकल हमारे पास आयलर फार्मूले से है पी स्क्वायर ई आई ओवर एल ई स्क्वायर. सो दिस इज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दिस इज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. ठीक है, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू पी ओवर ए y max plus e over r square into c. So c is the distance of the outer fiber from the center. ठीक है, we can rearrange and make it in another form, e square over r square secant 1 over 2 p over e a l e over r. इसमें जो secant यूज होता है तो इसकी वजह से इसको सीकंट फार्मूले के नाम से मंसूब किया जाता है. ठीक है, उसको हम मज़ीद एनालाइज करते हैं कि डिफरेंट स्लेंडरनेस रेशो के लिए, जिस तरह हमने आयलर फार्मूला को किया था. ये देखें, एक्सिस पे हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास पी ओवर ए है, यानी कि स्ट्रेस है. सो अगर हमारे पास लॉन्ग कॉलम्स हैं तो हमारे पास ये आयलर कर्व हैं, दिस इज द आयलर कर्व. ठीक है, सो इफ वी हैव ई इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास ई इज इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, ई इज इक्वल टू जीरो, सो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू पी ओवर ए सिंपली. सो फोर्स डिवाइड बाय ए. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, ये जो ई स्क्वायर और आर स्क्वायर जो रेशो है, इट वेरीज़ फ्राम ज़ीरो टू वन. ठीक है, तो अगर ये वेरी होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी नॉन एसेंट्रिक और सेंट्रिक लोडिंग. तो लोडिंग हमारे पास कितना इफ़ेक्ट करता है कि जितनी हमारे पास एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होती जाएगी, हमारे पास जो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू है वो कम होती जाएगी. ठीक है, सो एसेंट्रिसिटी का इफ़ेक्ट जो लॉन्ग कॉलम्स में है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी
शॉर्ट कॉलम्स, शॉर्ट कॉलम्स में इसेंट्रिसिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये आयलर कर्व है, ठीक है, ये प्रीवियस हमारे पास जो क्राइटेरिया था उसको हमने यूज़ किया, और यहाँ पर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, यानी जो स्ट्रेस की डिफरेंसेस हैं वो कितनी ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग कॉलम में हम देख सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी का इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। सो दिस कर्व्स आर अप्रोचिंग बेसिकली द आइलर कर्व, वो इसके करीब करीब आते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट द सेम। लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी कम है तो आप आइलर कर्व को डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये किलो पाउंड स्क्वायर इंच में है और ये मेगा पास्कल में है, ठीक है, बाकी तकरीबन ये सेम ही है। प्रॉब्लम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स अंडर सेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस एज्यूम स्ट्रेस बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इनिशियली स्ट्रेट होमोजीनियस कॉलम्स। एक्सपेरिमेंटल डेटा, प्रीवियस जो हमारी एनालिसिस थी दैट इज़ द आइलर कर्व, उसमें हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारे स्ट्रेस है वो बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट है, इनिशियली स्ट्रेट है और होमोजीनियस कॉलम्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मटेरियल में डिफेक्ट्स होते हैं और वो कम्प्लीटली होमोजीनियस नहीं होते हैं, बट उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेक्ट्स होती है, मटेरियल में बिल्ट इन एटम्स होते हैं या इस तरह कैविटीज़ होती हैं, तो इसलिए वो होमोजीनियस नहीं होते हैं। सिमिलरली जो बाउंड्री कंडीशन है, तो प्रैक्टिकली हम जब उसको टेस्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल जो डेटा हमारे पास आ जाता है वो ये है। आप देख सकते हैं कि एक स्केटर है, एक स्प्रेड है डिफरेंट, और उसमें एक कर्व को हमने फिट किया है बाय सम स्टैटिस्टिकल मींस, ठीक है। अब जब हमने इस कर्व को, जब डिफरेंट लेंथ और आर को हमने टेस्ट किया फॉर द सेम मटीरियल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट कॉलम है, ये इंटरमीडिएट कॉलम है, और ये हमारे पास लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में आप देख सकते हैं कि आइलर कर्व ये तकरीबन अप्रोच कर रहा है, और आइलर कर्व को हम लॉन्ग कॉलम के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली एम्पेरिकल रिलेशंस को अप्लाई किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, ये एक थियोरेटिकल हमारे पास एक रिलेशन है आइलर कर्व का, और ये जो पीछे एसेंट्रिसिटी का था इट आर एनालिटिकल रिलेशन जिसको हमने डिराइव किया है। लेकिन ये जो कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद आया है, ठीक है। सो ईच डॉट रिप्रेजेंट्स द फेलियर ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉलम, ठीक है। एक एक कॉलम को उसको हमने इसको एक्सपेरिमेंट में बकल किया है और फिर हमारे पास ये डेटा आ गया है। सो इस कर्व से हमें ये पता चलता है कि फॉर लार्ज ए ई और आर सिग्मा क्रिटिकल फॉलोज आइलर फार्मूला एंड डिपेंड अपॉन ई बट नॉट द सिग्मा वाई। लॉन्ग कॉलम में हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो अप्रोच कर रहा है आइलर कर्व को, और आइलर कर्व में हम देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दी अदर प्रॉपर्टीज। फॉर स्मॉल एल यू आर सिग्मा क्रिटिकल इज डिटरमिन्ड बाय द यील्ड स्ट्रेंथ एंड नॉट ई, ठीक है। अगर हमारे पास शॉर्ट कॉलम है तो उसमें यील्ड, ये हम यील्ड स्ट्रेंथ के करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो यू स्ट्रेंथ जो है ना वो उसको अप्रोच करता है शॉर्ट कॉलम में, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डायरेक्टली वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो फॉर इंटरमीडिएट उसमें हमारे पास यू स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों आ जाती है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारे पास डिफरेंट एम्पेरिकल रिलेशंस हैं बुक में दिए हैं, तो उसी एम्पेरिकल रिलेशन को हम यूज़ करेंगे
for the design of columns under centric loading. Okay, remember that it is for the centric loading. So ये हमारे पास एक traditional Euler curve है, और ये steel का जो curve है, जो experiments के बाद मुख्तलिफ हमारे पास data आ जाता है और उसमें हमने इसको fit किया है. ठीक है, तो ये दो जोन में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक ये जोन है और दूसरा ये जोन है. ठीक है, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आइलर कर्व के साथ टच कर जाती है, इसको हम कहते हैं पॉइंट बी. और ये पॉइंट बी होता है यूजुअली 1/2 σy. ठीक है, और उसके बाद इसको हम कहते हैं कि ये दिस इज़ दी क्रिटिकल वैल्यू. ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, जिसके बाद हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि इसको हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे और इसको हम शॉर्ट कॉलम कहेंगे. ठीक है, सो डिफरेंट कंडीशन है. अगर एल और आर हमारे पास सी सी के ज़्यादा हो, तो हम डायरेक्टली आइलर फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं. और आप कहते हैं कि सिग्मा अलाइबल, सिग्मा क्रिटिकल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो स्ट्रेस है, जो डिज़ाइन स्ट्रेस है, वो कम हो, ताकि अनसीन फैक्टर्स उसको कैटर फॉर कर सके. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अपने डिज़ाइन में डालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल स्ट्रेस को मालूम करना है, और फिर हमने उसमें मज़ीद फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालनी है ताकि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ़ हो. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने वैल्यू दी है कि यू शुड यूज़ दिस वैल्यू 1.92. ठीक है, तो ये हमारे पास अलाइबल स्ट्रेस होगा, और इसी पे हम अपने स्ट्रक्चर को, हमारे अपने कॉलम को डिज़ाइन करते हैं. फॉर एल यू आर लेस देन सी सी, दिस इज़ ग्रेटर देन बाय मिस्टेक, लेकिन ये लेस देन सी सी है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई ओवर दिस. ये उस इक्वेशन का फिट है. ठीक है, जब उसको फिट करते हैं तो ये हमारे पास एक पैराबोला का एक इक्वेशन है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी हमारे पास एक रिलेशन गिवन है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यू नो द एल ई, यू नो द आर, यू नो द सी सी. ठीक है, सी सी हम कैसे मालूम करेंगे? सी सी हम मालूम करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2π² E/σy. ठीक है, सो अगर एल ओवर आर सी सी के बराबर हो, सो सिग्मा क्रिटिकल विल बी इक्वल टू 1/2 σy, एंड सी सी इज इक्वल टू 2π² E/σy. ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी, कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? आपने करना है इक्विवेलेंट लेंथ मालूम करनी है, उसके रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम करनी है, और फिर हमने वैल्यू निकालनी है सी सी की. ठीक है, तो फिर हमने ये देखना है कि वेदर द एल ओवर आर इज़ ग्रेटर देन सी सी, लेस देन सी सी, और इक्वल टू सी सी. सो इन ईच कंडीशन वी विल यूज सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट सेट ऑफ इक्वेशंस टू फाइंड आउट द अलाइबल स्ट्रेस, टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टीज. ठीक है, तो बुनियादी बात यह है कि हम स्लेंडरनेस रेशो को मालूम करेंगे, और इस रेशो को मालूम, इस वैल्यू को निकालेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे. तो डायरेक्टली वी विल यूज़ द एम्पिरिकल रिलेशंस. वी नो द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, हमें पता होता है यूजुअली जो भी मटेरियल होता है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है. सो वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली द सिग्मा क्रिटिकल, सिग्मा अलाइबल. ठीक है, so this is how the practical columns differs from the analytical Euler columns. ठीक है, Euler column जो है वो हम long column में तो use करते हैं Euler curve को, लेकिन हम short और intermediate के लिए फिर हम different empirical relation को use करते हैं. aluminium अगर हमारे पास material है, तो usually उसका जो data आ जाता है वो इस form में आ जाता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास अलॉय 6061T6 है, एंड इफ एल ओवर आर इज़ लेस देन 66, देन वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. इफ
we have units of KSI. If we have units of megapascal, then we will use this equation. Similarly, for greater than or equal to 66, we will use this. The same condition applies here. For the other alloy, aluminium alloy. So just find out the L over R and find out the sigma alloy well. So we will discuss problems later on. So if you want to design the columns under an eccentric loading, what you will do? So we will split the eccentricity into the eccentric loading. This is the eccentric loading. So this is equivalent to the centric loading plus additional moment. So sigma centric and sigma bending. So for bending we have the formula MC over I, and for the centric we have formula P over A. So we will segregate the stresses into centric plus bending. So the total stress will be equal to the stress produced by the centric loading and the stress produced by the bending. So sigma max, that will be equal to P over I plus MC over I. And the allowable stress method, there are two methods which we use for the design of eccentric loading. One is the allowable stress method and the other is the interaction method. Allowable stress में हम जो sigma allowable की value है वो एक ही use करते हैं, that is for the P over A की जो value होती है उसी को हम use करते हैं. लेकिन interaction method में हमारे पास sigma allowable for bending वो different होती है और sigma allowable for centric वो different होती है. So we will do some problem to understand these both type of the design for the eccentric loading.